हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे उत्सर्जी तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम। जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रोसेस उत्सर्जन कहलाती है। विषैले पदार्थ क्या होते हैं? तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल होते हैं, जो ये विषैले पदार्थ होते हैं। देखते हैं उत्सर्जी अंग, किडनी, ब्रक, स्किन, त्वचा, लंग्स, फेफड़ा, लीवर, यकृत। ओके, अब हम जो उत्सर्जी तंत्र है तीनों, उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो किडनी की आप देखिए, यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ द किडनी ये डायग्राम दिख रहा है। इसमें देखिए जो किडनी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। किडनी दो पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। एक पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स और सेकंड को मेट्यूला। तो और जो किडनी होती है उसके जस्ट ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को कंट्रोल करती है। प्रत्येक किडनी, मतलब एक किडनी में 130 करोड़ नलियों से मिलकर बनी होती है, जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखते हैं किडनी के कार्य क्या होते हैं। किडनी रक्त के प्लाज्मा को छानकर, मतलब रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसको छानकर उसे शुद्ध करने का काम करती है। किडनी रक्त में से अनावश्यक पदार्थ, जिन पदार्थों का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, उन अनावश्यक पदार्थों को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में शरीर के बाहर निकालता है। ब्लड जो होता है वो टू पार्ट्स का बना होता है, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55% होता है और सेल्स जो होती हैं वो 45% उपस्थित होती हैं ब्लड में। रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। सामान्य यूरिन, मतलब मूत्र में पानी जो होता है वो 95%, यूरिया 2.7%, लवण 2%, यूरिक अम्ल 0.3% उपस्थित होते हैं। यूरिन का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव यूरिन की पीएच 6 है। किडनी में ही पत्थरी बनती है और यह कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट को ही पथरी कहते हैं। स्किन देखेंगे तो स्वीट ग्लैंड जो होती है वह पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है और शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा ही होती है। लंग्स, फेफड़े, मानव शरीर में CO2 का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। अब इसमें नोट देखेंगे, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यकृत, ये हानिकारक पदार्थ अमोनिया, अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की हेल्प से उत्सर्जित करता है। वसा के पाचन से में भी यह हेल्प करता है, मतलब वसा फैट जो होता है हमारे बॉडी में जो होगा उसको भी डाइजेस्ट करने में लीवर हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक एक्सक्रेटरी सिस्टम यहीं फिनिश होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।